अब ये संयोग है या प्राइम टाइम की नौकरी सीरीज का असर, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि 3 साल की खामोशी के बाद रेलवे को नौकरियों की याद आई है, ऐलान करना पड़ा है। पिछले 15 दिनों में रेलवे ने 90,000 की बहाली का ऐलान किया है। इस संख्या को मंत्री जन काफी उत्साह से ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन देखना यह चाहिए कि क्या इसकी प्रक्रिया 6 महीने में पूरी होगी या बहाली निकालकर फॉर्म भराकर इम्तहान कराते कराते साल पार हो जाएंगे, 3-4 साल तक चलती रहेगी। मंत्रियों को यह भी ट्वीट करना चाहिए कि हमारी सरकार वादा करती है कि 6 महीने के भीतर परीक्षा कराकर अपॉइंटमेंट लेटर भी पकड़ा देंगे। आप जानते हैं कि कई नौकरियों में पास करने के 6-6 महीने बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है। नौकरी सीरीज बंद नहीं हुई है, चलती रहेगी। अभी तो बैंक कर्मियों की जिंदगी में भी जाने वाली है। बहाली निकली है, अच्छी बात है, मगर इसकी शर्तों में बदलाव से नौजवानों का समूह 2 हिस्से में बट गया है। जो इस वक्त चुप हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर 6 महीने बाद साल साल तक बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो वे प्रदर्शन करने निकलेंगे तो उनका भी कोई साथ नहीं देगा। होता है, नौकरियों की शर्तें बदलती हैं तो बहुत लोग अपना सोचकर किनारे कट लेते हैं, उसका छोड़ो। दरअसल बड़ी तस्वीर देखिए तो किसी का कुछ नहीं होता है। 3 साल तक क्या 90,000 बहाली निकली? इन 3-4 सालों के दौरान जो तैयारी करते करते बुढ़ा गए, क्या वे भी जश्न मना रहे हैं? जब से रेलवे ने विज्ञापन निकाला है तब से इसकी तैयारी कर रहे हजारों छात्रों का एक बड़ा हिस्सा बेचैन हो गया। ये आरा की तस्वीर है। हमारे दर्शक एक आशुतोष पांडे ने वहां से ये तस्वीर भेजी है, खुद ही रिकॉर्ड करके। अब आप ही लोग रिपोर्टर हो गए हैं प्राइम टाइम के, हमारे पास तो संसाधन है नहीं। वो जगह जगह नौजवान प्रदर्शन कर रहा है। 16 फरवरी को बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ है आरा में। इनकी 2 मांग है कि ऑटो लोकोमोटिव पायलट की नौकरी में उम्र सीमा जो घटा दी गई है 2 साल, वो वापस 30 साल की जाए, और ग्रुप डी की नौकरी में जो ITI की शर्त को अनिवार्य कर दिया गया है उसे हटा दिया जाए ताकि दूसरे विषय वाले भी ग्रुप डी के लिए योग्य हो सके, क्योंकि पहले की नौकरियों में ऐसा नहीं था। तो आज भी 16 फरवरी के दिन उड़ीसा के भुवनेश्वर में, पश्चिम बंगाल में भी 2 दिन पहले, और आरा में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है। छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि आप जरूर प्रदर्शन करें, रेलगाड़ी ना रोकें, किसी की यात्राएं प्रभावित होती हैं। 35 साल से SC ST वर्ग में भी उम्र सीमा जो है 35 से घटाकर 33 कर दी गई है। तो बड़ी संख्या में रेलवे की परीक्षा देने वाले छात्र प्राइम टाइम के संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी तरफ से सरकार से गुजारिश कर दें, क्योंकि कोई नेता उनकी तरफ से बोल नहीं रहा, कोई मीडिया उनसे नहीं बोल रहा। तो हम छात्रों की बात मानते हुए सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इन नौजवानों की यह मांग कोई बहुत बड़ी नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। सरकार चाहे तो उम्र की सीमा फिर से 28 से 30 कर सकती है और उनका आक्रोश ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करें तो ये ध्यान में रखें कि ये नौजवान अवसाद के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ये अपने ही नौजवान हैं, इन्हें निराश करना किसी के लिए ठीक नहीं है। बंगाल में भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुआ है। इनका कहना है कि 90% नौकरियों को सिर्फ ITI पास करने वाले छात्रों के लिए रिजर्व कर दिया गया, इससे आर्ट्स और कॉमर्स के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे उनके साल बर्बाद हो गए। इंजीनियरिंग की हालत यह है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी ये छात्र इसकी नौकरी के लिए परीक्षा देना चाहते, ये बेरोजगारी का आलम है। तो रेलवे को इसकी बात का ध्यान रखना चाहिए कि 4 साल बाद जब इतनी नौकरियां आई हैं फिलहाल, तो 3 बातें करें। उम्र की इनकी मांग पर ध्यान दे, कोई बात करे। झारखंड में भी प्रदर्शन होने जा रहा है, पटना के महेंद्रू बोर्ड में भी प्रदर्शन हो जा रहा है, ये ठीक नहीं है। तो बात करे, उम्र पर क्या स्टैंड है पब्लिक में एक बार बताए, कम करेंगे या नहीं करेंगे। फिर जो शर्तों को लेकर है पात्रता, मतलब ITI एक जगह अनिवार्य करते हैं, एक जगह आप दूसरे सब्जेक्ट ITI के अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट को नहीं देते, इन सबको आप क्लियर कीजिए और बताइए कि क्या करने वाले हैं ताकि इन छात्रों का गुस्सा शांत हो और इनकी नौकरियों के सपने आए, ये सुनहरे सपने देख सके। बैंकिंग कर्मी परेशान ना हो, हम उनकी समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, एक ही आदमी है, धीरे धीरे करेंगे। प्राइम टाइम देखते रहिए। नमस्कार।